उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें, मौसम विभाग के द्वारा आने वाले 3 दिन और भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर इस वक्त न्यूज 31 ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम इस वक्त नैनीताल जिले के चोरगलिया क्षेत्र पर मौजूद है और ये वही नंदौर नदी है जो लगातार हर वर्ष बारिश के मानसून के बाद इस पानी का जलस्तर यहाँ लगातार बढ़ जाता है। तो आप देखिए, इस वक्त ग्राउंड जीरो पर न्यूज 31 उत्तराखंड पहुंचा है और आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से भारी बारिश के चलते इस नंदौर नदी का जलस्तर भी उफान पर है। लगातार तस्वीरें न्यूज 31 उत्तराखंड के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि उत्तराखंड के मौसम विभाग के द्वारा आने वाले 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो आप देखिए, बड़े बड़े जो विशालकाय पेड़ है वो भी इस नंदौर नदी के पानी के जल स्तर पर समाते हुए जा रहे हैं। बड़े बड़े पिलर आप देखिए कि किस तरीके से जो गांव को बचाने के लिए जो पिलर यहां लगाए गए थे वो भी पानी में की जद में समा चुके हैं। और लगातार यहां पे पानी का बहाव है, जो पानी का जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ते जा रही है। आप देखिए, मैं कहूंगा एक बार कैमरामैन से कि दिखाए किस तरीके से यहाँ जो पानी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। कई किलोमीटर की ये नंदौर नदी की दूरी है और जिसको आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से भी, यहाँ जो पानी का बहाव है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा अलर्ट मोड पर है, जिस तरीके से जो नदी नालों के किनारे जो बसे हुए लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपील करी जा रही है और लोगों को हटाया भी जा रहा है। आप देखिए, ये चोरगलिया क्षेत्र है और चोरगलिया क्षेत्र पे जो पानी के बहाव से भूकटाव भी यहाँ लगातार होते रहता है, जिसको लेकर तमाम जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने भी कई बार जो है यहाँ पिलर लगाने की मांग करी थी। लेकिन इस बार पिलर तो लगाए गए थे, लेकिन आप देखिए जो पुराने पुराने जो यहाँ पे पिलर थे वो जो है पानी की जद में समा चुके हैं। आप अगर इस तरफ देखिए तो यहाँ बड़े बड़े जो विशालकाय पेड़ है वो भी कहीं ना कहीं इस नंदौर नदी के पानी के जद में समा रहे हैं। तो ऐसे में तमाम आप देखिए कि ग्राउंड जीरो पर न्यूज 31 उत्तराखंड पहुंचा है। और हालांकि वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार मानसून को लेकर अलर्ट मोड पर है और दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा भी लगातार यहाँ जो मानसून को देखते हुए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो आप देखिए, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त न्यूज 31 उत्तराखंड पहुंचा है। हालांकि मानसून को लेकर मौसम विभाग के द्वारा भी आने वाले 3 दिन का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में तमाम जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। राकेश जोशी, न्यूज 31 उत्तराखंड के साथ, हल्द्वानी।